मिस्बा, कोई 6 महीने रह गए कल का मैच मिला के, 14 T20 और खेलने T20 वर्ल्ड कप से पहले, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी सीरीज है जहां पे आप समझते हैं कि ये मेरा पॉइंट है, यहां पे मैं अपने फाइनल टीम सेटल कर दूंगा? देखिए शायद भाई, मैंने पहले ही बताया कि हम मोर और लेस आपकी जो टीम है वो ये ही टीम है, यहाँ पे भी एक से दो प्लेयर्स का हमेशा आपके पास होता है, स्पेशली कि हाँ जी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें प्लेयर्स चाहिए, तो वो आप हमेशा जो है एक विंडो ओपन रखते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल जो भी मैचेस आप खेल रहे हैं लास्ट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बेहतरीन कोशिश यही होगी कि हम अब जितनी जो आगे इंग्लैंड सीरीज आनी है वहां से हम एटलीस्ट हमारी बिल्कुल बहुत हम क्लोज हो वर्ल्ड कप की टीम के, जो भी हमारा स्क्वाड हो वो ऑलमोस्ट वही हो जो हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारे पास होगा, क्योंकि आई थिंक ये जो दो सीरीज हैं इससे काफी चीजें आपको क्लियर होंगी, PSL से क्लियर होंगी, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड सीरीज जो है वो बहुत करीब होना चाहिए स्क्वाड जो मैं खुद देख रहा हूँ वर्ल्ड कप के स्क्वाड के, और ऑलमोस्ट वही स्क्वाड होना चाहिए जो वर्ल्ड कप में जाना है। अच्छा मिसबा भाई, बदीजमा बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपने कहा था कि जब भी हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां करते हैं, नए लड़कों को लेकर आते हैं, तो फिर तनकीद भी शुरू हो जाती है और हार का मलबा या तो हेड कोच, मैनेजमेंट या कप्तान पे डाल दिया जाता है, फिर कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। क्या इसी चीज का खौफ है कि हम जो है एकदम जो है वो नए लड़के ऐसी टीम के साथ जिसके साथ 14 मैच खेले और 14 ही जीते हुए नहीं उतार रहे, दूसरा शुएब मलिक को आप ला रहे? ना तो मैं चीफ सेलेक्टर हूँ भाई, ना मैं कप्तान हूँ। आई थिंक ये सारे जब बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ जी क्या चीज जरूरत है, फिर ही को फैसला होगा। और खौफ जो है, खौफ तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज होती है कोई भी आप सीरीज खेलते हैं, मैच खेलते हैं, वो आपके लिए जीत होती है। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसको देखते हैं कि हाँ जी मैंने ऐसी टीम खिलानी है, ऐसा कम्बिनेशन खिलाना है कि मैंने मैच जीतना है, मैंने सीरीज जीतनी है। एंड ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रेंथ को लूज ना करते हुए जो भी रोटेशन करते हैं टीम में और उसको कोशिश करते हैं कि बाकी प्लेयर्स को भी आप चांसेस दें, नो डाउट कि जो भी प्लेयर आता है यहाँ पे वो हम समझते हैं कि वो कैपेबल है किसी को भी रिप्लेस करने के, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो हमारी टीम खेल रही है इसमें एक्सपीरियंस लड़के कम है, जितने भी जो अब रेगुलर भी खेल रहे हैं उन लड़कों को, उनको भी को खेलते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो जाहिर है इन सारी चीजों को देखते हुए और सारे जो भी हर तरफ से सारे एंगल्स को सोचते हुए कोशिश यही होती कि लड़कों को चांसेस मिले और एट द सेम टाइम टीम की जो जीत है उसको भी जो है कंप्रोमाइज ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, उबैद अवान बात कर रहा हूँ। मैं आसिफ अली के हवाले से बात करना चाहूंगा, घर से पहले भी बात हुई है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मौके दिए गए और सबसे ज्यादा जो उनके नाकामी के बाद जो क्रिटिसिज्म होता है वो मिसबा उल हक पर होता है, ये मिसबा उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको चांसेस दे रहे हैं, तो क्या आप कोई नए ऑप्शन की तरफ जाएंगे या आप मजीद आसिफ अली को ही ट्राई करेंगे? देखिए बात यह है, आसिफ अली भी मेरे लिए वैसे ही एक प्लेयर है जैसे बाकी प्लेयर है। आई थिंक सिलेक्शन कमेटी ने, जाहिर है खाली मैं तो सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूँ, सिलेक्शन कमेटी ने आसिफ को अगर चांस दिया है तो उसकी परफॉर्मेंस पे दिया, और इतने ज्यादा मौके, मतलब सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट दो दो तीन तीन मैच खेले और आसिफ ने भी 3 मैच खेले, दानिश 2 मैच खेल चुका है, तो कई दफा ये होता है कि मुझे तो खैर वैसे ही जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये तो मेरे पे खास करम है मीडिया का भी और लोगों का, जो परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होता,
ये तो खैर शुरू से ही मेहरबानी है मेरे पे लोगों की, किसी ने किसी और का नाम जो परफॉर्म कर रहा है वो मेरे साथ नहीं जोड़ा, आसिफ बेचारे से नहीं हो रहा तो उसको जो है ना मेरे साथ जोड़ दे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए सारे प्लेयर बराबर हैं, सारे उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं जिस तरह के आसिफ है, और दुआ कर रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी इनमें से परफॉर्म करे पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर होना जी मिश्रा भाई, जिस तरह अफ्रीका से हमने होम सीरीज जीती है, फिर हमने वहां पर जाकर वनडे भी और T20 भी जीत लिया है। हफीज जिस तरह हमारा अपर ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिडल ऑर्डर में हम लैग कर रहे हैं, जब बारी नहीं आती तो कितना कोच के लिए खतरा होता है कि जो बैट्समैनों को मौका नहीं मिल रहा जो मिडल ऑर्डर में है, खासतौर पर जैसे हफीज है। और अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या शुएब मलिक आपके लूप में है या अब उनका कैरियर जो है हम समझे कि खत्म हो गया। देखिए, सबसे पहले जो पहला आपका सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बाकी बात ठीक है, क्योंकि एक तो ये भी वजह है कि जब आपका मिडल ऑर्डर लंबे अरसे के लिए वो इंगेज नहीं होता मैच में, और मोस्टली आपका टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा होता है, सडनली उनकी बारी आती है, तो जाहिर है जो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा होता है, मिडिल की फील जिसकी होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं वो प्लेयर, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एक दफा अगर आप प्रेशर में आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके प्लेयर्स के लिए, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक मिडिल ऑर्डर होता ही इसीलिए कि जब आपका टॉप ऑर्डर उससे रन नहीं होते, अगर वो आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं तो आपको उसको फिनिश करना होता है। हम अनफॉर्चुनेटली अभी पूरी सीरीज में हमने स्ट्रगल किया उसमें, हमने इसको बेहतर करना है। और दूसरा, शुएब मलिक की जहां तक बात है, ऑब्वियसली मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, सारी चीजों को देखते हुए सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान है, एंड देन ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि राइट ऑफ कोई नहीं होता, प्लेयर जिसको भी जो खेल रहा है पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो आप डिस्कशन करते हैं और देखते हैं, उसकी अगर जगह टीम में है तो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो मेरी इस टाइम पे कोई ऐसी ओपिनियन नहीं है किसी के बारे में भी कि कोई किसी को हम ले रहे हैं या उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। जी प्लीज, कादिर ख्वाजा अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम विश्व भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा विश्व भाई, आप जिस तरह शर्जील खान को देखा है हमने कि काफी फिटनेस पर उन्होंने काम कर रहे हैं, और मतलब उनका जिम्बाब्वे टूर के हवाले से बता दें, और जिस तरह उनको चांस साउथ अफ्रीका में एक मैच में दिया गया, फील्डिंग में देखा कोताही नजर आई, लेकिन जिम्बाब्वे में उनका क्या होगा और क्या सोचा है उनके लिए? और वकार यूनस से एज ए हेड कोच कभी आपने पूछा है कि बॉलिंग बेहतर क्यों नहीं हो रही, हमारे 145 प्लस 150 प्लस जो बॉलर्स हैं वो एंड ओवर्स पर, डेथ ओवर्स पर यॉर्कर्स लाइन पर बॉल क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में शर्जील का देखेंगे, ऑब्वियसली शर्जील को जाहिर है वो फिटनेस पे काम कर रहा है, अपनी स्किल पे भी काम कर रहा है, ऑब्वियसली कोशिश करेंगे, कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको कह दूं नहीं, शर्जील सारे मैच खेलेगा, ये शर्जील को हम खिला रहे हैं, बट ऑब्वियसली मैंने पहले बात किया है कि हम सबको देख रहे हैं कि रोटेशन करें, सबको कहीं ना कहीं चांसेस दें विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेंथ की टीम की, और जो हमारा जीतना है उसको भी हमने देखा। फास्ट बॉलिंग के हवाले से सिर्फ एक टीम की बॉलिंग को आप ना देखा करें, आप कंडीशंस को भी देखा करें, अगली टीम को भी देखा करें। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका अपनी कंडीशंस में पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी खेली है तो 300 से ऊपर ही रन हुआ वनडे में, और T20 में 200 रन हुए, 200 भी चेज हो गए। आई थिंक उस हवाले से ये जरूरी नहीं कि आप देखेंगे जी हमने 140 रन ही देने हैं, कंडीशंस को देखते हुए मेरे ख्याल में जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, इवन आप तीसरे वनडे में देखें बॉलिंग बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया हमने, पहले वनडे में हमने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर T20 में हमने अच्छी कंडीशंस में आखिरी मैच अगर आप देखें तो उस पिच पे जो कि 180 90 या 200 वाली पिच थी उस पे रिस्ट्रिक्ट करना, मेरे ख्याल में बॉलिंग आपकी परफॉर्म कर रही है, ऑड गेम में आपको अगर रन्स हो जाते हैं तो आप ये भी देखेंगे कंडीशंस कैसी हैं और दूसरी टीम कैसी है। आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है,
कंडीशंस को देखते हुए वी आर स्टिल आई थिंक डिलीवरिंग और पाकिस्तान की भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी अस्लान अस्सलाम वालेकुम इस्मा भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर टीम में हमारी टीम जो है वो ओपनिंग में बड़ा लैग करती रही है, अब हम देखें तो 3 से 4 ओपनर्स हैं हमारे पास, बाबर आजम है, रिजवान है, शर्जील हैं, फखर हैं, हैदर भी ओपनिंग करते रहे हैं, उसके अलावा हफीज भी ओपनिंग करते रहे हैं, तो ये तमाम टीम लग रहा है कि हमारे बैट्समैन जो है अब ओपनिंग की ही तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान को जो ओपनिंग का रोल दिया गया है ये बड़ी टीमों के खिलाफ भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में भी यही लोग जो है ओपनिंग करेंगे, या हमारे वर्ल्ड कप का भी यही पेयर जो है हमारे नजर आ रहा है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम शर्जील और फखर को कुर्बानी देते हुए देख रहे हैं कि वो ओपनिंग की बजाय लोअर ऑर्डर में देखे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो हमारा मुसलसल स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। देखिए कुर्बानी की बात नहीं है, बात यह है कि कौन डिलीवर कर रहा है। ये लोग, रिजवान ने न्यूजीलैंड में भी अपने आप को प्रूव किया, रिजवान ने साउथ अफ्रीका में भी अपने आप को प्रूव किया, रिजवान ने हमारी होम कंडीशंस में भी अपने आप को प्रूव किया, बाबर ने पूरे दुनिया में अपने आप को प्रूव किया। और आपका कोई भी ओपनिंग प्लेयर या प्लेयर इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी नहीं है टॉप ऑर्डर पे कि उनके स्ट्राइक रेट्स भी अब बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, वो भी वही 50 रन आपको दे रहे हैं और कंसिस्टेंसी से दे रहे हैं। जबकि आप दूसरी जितने भी ओपनर्स हैं उनको देखें, अगर उनके स्ट्राइक रेट्स बेहतर हैं भी तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी उस तरीके से। तो आई थिंक जो बेस होती है आपका जो स्टार्ट होता है वो किसी भी मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली T20 क्रिकेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले 6 ओवर्स में आप विकेटें नहीं लूज करते और आप 50 के करीब रन बना लेते हैं तो ये आपकी एक ऐसी बेस सेट होती है कि आप 200 या 200 से ऊपर ही रन करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा अगर प्लेयर आपके पास है जो हायर कंडीशंस में फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं, तेज बॉलर्स को बैक फुट पे कट पुल बहुत अच्छी है, इनकी टेक्निक अच्छी है इसलिए आपको कंसिस्टेंटली रन्स करके देते हैं, और शायद आपको नजर नहीं आता स्क्रीन के बहुत ज्यादा बल्ले घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट वही होता है आपका कि आपके 50 रन के करीब लगे होते हैं और विकेट्स भी इन हैंड होती हैं, एक अच्छा बेस आपका सेट हुआ होता है, तो फिर हम किस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। फखर को नीचे खिलाने का मकसद ये है कि फखर T20 क्रिकेट में अगर आप देखें वनडे में उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, पहले जाके वो 2-3 ओवर का टाइम ले लेता है और उसके बाद वो बहुत इफेक्टिव है। T20 में अक्सर उसकी अगर आप पीछे देखें उस तरीके से कामयाब नहीं था वो, इस वजह से कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो समटाइम्स वो टाइम ही नहीं मिलता था, 1 से 2 ओवर जो लेना होता है उसी में वो आउट हो जाता था। तो आई थिंक उसको देखते हुए उसको नीचे लाने का मकसद ये है कि वो जो ऊपर का स्टार्ट है वो उसको मिल जाए, वो फिर जाए और वो फिर जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट स्पिन भी है तो लेटर पार्ट में उसकी पावर भी है, तो आई थिंक वो हमें ज्यादा बेहतर वहाँ पे दे रहा है टीम के लिए जो भी रोल हमने उसको दिया है।